हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम हाजिर हैं फिर से एक नए तोरण के साथ में, और ये मैंने बनाया है ओल्ड बैंगल्स की यूज़ से, और आप इसमें बिना क्रोशिए का बना सकते हैं। और आप बताइएगा ज़रूर मुझे कि ये कैसा लग रहा है आपको। मैंने येलो कलर के साथ में बनाया है, आप चाहें तो इसको कोई भी कलर के साथ में बना सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर थोड़ा सा पूजा रूम के लिए बहुत अच्छा रहता है, या एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि जो येलो वाइब्रेंट कलर है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी साइड में रहता है। इसी कारण से मैंने येलो वाला ही यूज़ किया है। और ये मैंने पेन की सहायता से तो राउंड सेट शेप में बनाया है कुछ इस तरीके से, और मैंने इसको 20 टाइम्स राउंड किया है, और स्वी धागे की सहायता से ऐसे कुछ इस तरीके से हमको इसको बना लेना है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्वी धागा यूज़ करते हैं तो हाथ को बचा कर रखिएगा, क्योंकि मेरे से इतने बार हुआ ना कि मैं सुई ऐसे पकड़ी हूँ और हाथ के साइड में गया है और ब्लड निकला है। बहुत बार मेरे साथ ऐसे होता है, और पता नहीं क्यों कि मेरा ध्यान नहीं रहता है या क्या, तो कि मैं इसमें मगन हो जाए रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा हर बार क्यों होता है, मोस्टली टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है। और ये मैंने रेड कलर का कपड़ा यूज़ किया है, और मैंने ग्रीन वाला भी यूज़ किया है। आपके पास जो है आप वाला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा रहते हैं कॉटन्स के जो रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और आप इसको बिना शेप दिए भी ऐसे चिपका सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली जो फ्लावर आप अरेंज करेंगे उसको शेप देना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले इसको ही शेप दे दिया है, और मैंने एक मोती भी इसको यूज़ कर लिया है। अब चाहिए आपको ग्लू गन। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, आप यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक जो ग्लू रहता है उसको, उससे भी आपका जो ऊन है और जो क्लॉथ है वो बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो आपका मोती है उसको तो आप सुई धागा से भी सिल सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा वो भी। और कुछ इस तरीके से हमारा फ्लावर बन के रेडी है, और हमारा जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उसमें हम इसको भी चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। और मैं जब भी ग्लू गन पकड़ती हूँ मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि हाथ में चिपकेगा, इधर चिपकेगा, उधर चिपकेगा, मुझे समझ में नहीं आता। लोग इतने, जो मैं YouTube में बाकी लोग को देखती हूँ ना, कितने क्लियरली वो लोग यूज़ करते हैं, हम इतने बार ट्राई करती हूँ लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता है। इसी कारण से मुझे सुई धागा ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ग्लू गन। तो आपको जितना लंबा बनाना है उतने सारे आप फ्लावर्स बना सकते हैं। अगर कम चाहिए लंबाई तो आप कम बना सकते हैं, जैसे कि आपका छोटा सा जो मंदिर है उसके लिए बनाना चाहे तो कम में हो जाएगा, लेकिन आप अगर सामने की डोर में हैंग करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। और ये मैंने चूड़ी ले ली है। मोस्टली आप प्रीफर कीजिएगा कि आप जिस कलर से बना रहे हैं उसी कलर का आपको चूड़ी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसमें वो आसानी से ढक जाता है, अंदर का जो चूड़ियों का कलर है वो उतना अच्छे से दिखता नहीं है। सेम कलर में अच्छा खासा आपको कॉन्ट्रास्ट में, मीन्स कॉन्ट्रास्ट नहीं, ये अच्छा से उसको कवर कर लेता है, इन्हेंस कर लेता है उसके कलर को। और कुछ इस तरीके से चिपका लिया हमने, और ये देखिए मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। अब इन सबको अपन को करना है चिपकाने का काम, और हमारा ग्लू गन रेडी है कुछ इस तरीके से। अभी मैं केयरफुली कर रही हूँ कि भैया ये थोड़ा थोड़ा ही जाए, मेरे हाथ में ना लगे। और अब हमको बनाना है टैसल। टैसल भी मैंने येलो कलर से बनाया है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड यूज़ कर सकते हैं, आप जिस कलर से फ्लावर बना रहे हैं उसका कॉन्ट्रास्ट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 30 टाइम्स राउंड किया है। और जब भी आप टैसल बनाएं एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर वाले जो पोर्शन रहता है उसको ज़रूर टाई करें, जैसे ये मैंने टाई किया है वैसे, क्योंकि मैंने इतने सारे टैसल बनाए हैं तो मैंने स्टार्टिंग में गलतियाँ की है, इसी कारण मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे बांधा नहीं था। और मैं पूरा तोरण बनाकर रेडी कर ली हूँ, घर के फैमिली मेम्बर को बुलाकर दिखा रही हूँ। कुछ समय के बाद ऐसा हो रहा है कि उसका एक एक जो थ्रेड है वो निकल रहे हैं, तो ये बहुत पछतावा हो जाता है, क्योंकि हमको इसमें हैंडमेड जो चीज़ें रहती है उसमें थोड़ा टाइम तो लगती ही है अगर आप बना रहे हैं खुद से। तो इस कारण से मैं बोलती हूँ कि जब भी आप मेहनत इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हैं, और थोड़ा सा अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं, और लास्ट एंड को कुछ इस तरीके से काट लेते हैं सभी को इक्वल में, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उन सबको भी हमको काट लेना है। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे बना कर रख लिए हैं। ये देखिए इसके जो ऊपर वाले पोर्शन को मैंने पिंक कलर से ही बांधा है।
अब मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा पर्ल ऐड कर दूँ, तो मैंने टोटल सभी में 9 पर्ल्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो गोल्डन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इस कलर का यूज़ किया है जो मोती रहते हैं उसको। और ये हमारा कुछ ही देर में बनकर रेडी हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे पूछना है भूल गई कि आप क्या चाहते हैं, कि हम ऐसे ही वाला ही तोरण बनाएं जिसमें हम क्रोशिया का यूज़ ना करें, या आप क्रोशिया चलाना सीखना चाहते हैं? तो मैं आपको बेसिक से सिखाना चाहूँगी कि अपन कैसे क्रोशिया होल्ड करते हैं, कैसे चेन बनाते हैं, कैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, राउंड कैसे बनाते हैं, ये हम बेसिक से स्टार्ट करना चाहेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं क्या, कि अपन नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बनाएं जिसमें हम स्टार्ट करें बेसिक से, उसके बाद एडवांस में जाएं। और कुछ इस तरीके से ये हमारा चिपक गया है जो टैसल्स है वो, और हम ऐड करने वाले हैं ये फ्लावर। तो पीछे साइड ग्लू गन लगा दिया है और ये हमारा पूरा बनके रेडी है। और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा मेरा मेहनत, तो आप प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में। ओके, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।